पुलिस को टप्पेबाजी की झूठी सूचना देकर खुद पैसे हड़पना दो युवकों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें, पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक डिलीवरी बॉय ने सूचना दी कि वो इलाहाबाद से बिस्किट की डिलीवरी करके लौट रहा था। तभी प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज अझारा के पास दो लोगों ने उससे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगने पर दोनों को गाड़ी में बिठाया। उसके बाद रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर दोनों ने पिकअप ड्राइवर से कहा, रुको चाय पीनी है। जब वो चाय पी रहे थे, उस दौरान एक काले रंग की काली सफारी गाड़ी पिकअप के आगे आकर कुछ देर के लिए रुकी। इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने कहा कि उनकी गाड़ी आ गई है और चाय का पैसा देकर वो उस गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद डिलीवरी बॉय ने देखा तो उसकी गाड़ी से 1,90,000 रुपए गायब थे। इस बात की सूचना उसने तुरंत सलोन कोतवाली को दी। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई। देखिए पूरी खबर विस्तार से संवाददाता संदीप मिश्रा के साथ। पहली जनवरी 2023 को थाना सलोन को डीसीआरए के मार्फत ये सूचना प्राप्त हुई कि एक मोहम्मद कैफ नाम के व्यक्ति हैं, जो खदरा के निवासी हैं, लखनऊ के बिस्किट के सप्लायर हैं। वो जब सप्लाई करके वहाँ से इलाहाबाद से 1,90,000 रुपये लेकर के वो आ रहे थे। प्रतापगढ़ में लालगंज मार्केट में उन्हें दो अज्ञात व्यक्ति मिले, जिन्होंने कहा कि उनको लखनऊ जाना है, तो आप अपनी गाड़ी में हमें बिठा लीजिए, हम आपको 150 रुपये देंगे। इनका कहना था कि साहब, उस लालच में हमने उन दो व्यक्तियों को बिठा लिया। आगे आने के बाद थाना सलोन क्षेत्र में हवेली रेस्टोरेंट के पास उन्होंने कहा कि हम चाय पीने के लिए उठना चाहते हैं। वो तीनों व्यक्ति चाय पीने के लिए उतर गए, इंक्लूडिंग मोहम्मद कैफ। और इसी बीच में चाय पीने के बाद वहाँ पर काली सफारी आई, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी आ गई, अब हम लोग यहाँ से आगे चले जाएंगे। वो दोनों उस गाड़ी में बैठ के चले गए। मोहम्मद कैफ ने वापस जा करके जब देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में रखे हुए पैसे गायब। इस तरह की सूचना जब पुलिस को उन्होंने दी तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच करके छानबीन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जानकारी की गई। टोल पार करके आए थे, टोल से भी देखा गया। और पुलिस को धीरे धीरे उनकी बातों में, जो ड्राइवर था उसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आने लगे, क्योंकि उनकी गाड़ी तो आती दिखाई पड़ रही थी, परंतु उसके आसपास उसके पीछे कोई भी काली सफारी नहीं दिखाई पड़ रही थी। और अन्य भी विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये पूरी सूचना पुलिस को झूठी दी गई थी उनके द्वारा। और उन्होंने अपने एक मित्र रजत, जो कि वहीं का रहने वाला है, खदरा लखनऊ का, मिल करके अपने व्यापारी का ये पैसा हड़पने की नीयत से पुलिस को एक झूठी सूचना दी थी। ये दोनों लोग जुआ खेलने के आदी हैं और इनको एक नई मोटरसाइकिल खरीदनी थी, और इसी की वजह से इन्होंने प्लान किया था कि इस झूठी सूचना को दे करके पूरा पैसा हम हजम कर जाएंगे और उससे हम अपना फिर आगे काम करेंगे। पुलिस ने पूछताछ के बाद रजत को भी गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से पूरे पैसे 1,90,000 रुपये, जिसकी टप्पेबाजी की सूचना थी, वो पैसे पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। और दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई कराई।